जनपद संभल के बेजोई में पुलिस अधीक्षक संभल चक्रेश मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक संभल आलोक कुमार जायसवाल तथा क्षेत्र अधिकारी महोदय संभल क्राइम जितेंद्र सिंह के कुशल नेतृत्व में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली संभल पंकज लवानिया के नेतृत्व में अजीत सिंह ने पुलिस टीम के साथ चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर आदमपुर रोड बस अड्डे के सामने से 25,000 के इनामी अभियुक्त दिनेश पुत्र लोधी सिंह निवासी ग्राम नूरपुर तारापुर थाना केला देवी जनपद संभल को एक तमंचा 315 बोर में 2 अदद जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया है। अभियुक्त थाना हयात नगर पर गैंगस्टर एक्ट में वांछित फरार चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक संभल द्वारा 25,000 का पुरस्कार घोषित किया गया था। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर निम्न अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गई। आरोपी जैसे गिरफ्तार किया गया है, क्या है सर? ये थाना संभल पुलिस द्वारा जो है एक गैंगस्टर का वांछित, जिसके ऊपर 25,000 रुपए का इनाम था, जिसका नाम दिनेश सिंह है, पुत्र जोधी सिंह, नूरपुर थाना कैला देवी वर्तमान में है, इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। इसकी पूरी कहानी ये है कि अप्रैल महीने में पंचायत इलेक्शन के दौरान गांव कचहरी थाना हयात नगर में पुलिस पे हमला किया गया था, जिसमें अन्य लोगों के साथ ये भी जो है शामिल था, जिस पे उस समय मुकदमा लिखा गया था, गैंगस्टर बना था, तब से ये फरार चल रहा था, जिसको आज गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। इसको विधिक कार्रवाई कर कोर्ट भेजा जा रहा है, अन्य कार्रवाई की जा रही है। क्या क्या बरामद हुआ सर इससे? इसके पास एक तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस बरामद हुआ है।